इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर में विजयादशमी पर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है, जहां हर वर्ष की तरह इस बार भी शहर में विभिन्न तरह के रावण दहन किए जाएंगे। इसी कड़ी में संस्था सूर्य मंच द्वारा एमजी रोड स्थित सांप्रदायिकता का रावण दहन किया जाएगा। संस्था सूर्य मंच के संयोजक सन्नी पठारे ने बताया कि संस्था द्वारा हर वर्ष की तरह इस बार भी एमजी रोड स्थित श्री कृष्णा टॉकीज के सामने विशाल रावण का दहन विजयादशमी पर किया जाएगा, जहां साधु संतों की मौजूदगी में समाज सेवी लोगों का सम्मान करने के साथ शांति की मिसाल से सांप्रदायिकता का विशाल रावण दहन भव्य आतिशबाजी के साथ होगा। सन्नी पठारे की माने तो दशहरा महोत्सव पर अधिक से अधिक मतदान करने को लेकर आमजन को प्रेरित भी किया जाएगा। वहीं इस रावण दहन का कार्यक्रम ऑनलाइन भी देखा जा सकता है। वहीं हिंदू धर्म की मान्यताओं के आधार पर 151 किलो की गिलकी के भजिए बनाकर प्रसाद के रूप में वितरित किए जाएंगे। संस्था सूर्यमंच हमारी कमेटी के मेरे से भी पहले से 33 वर्षों से रावण दहन करते आ रही है, लेकिन पिछले 10-12 वर्षों से हमने रावण की जगह सामाजिक बुराइयों का दहन करना चालू किया है। रावण की जगह इसके पहले हम करोना, आसाराम बापू, कसाब, लादेन, राम रहीम, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का भी रावण जला चुके हैं। पिछली बार हमने गायों में फैल रही बीमारी लंबी वायरस का रावण दहन किया था। इस बार हमने माना कि जगह जगह दंगे फसाद होने की सांप्रदायिकता फैली हुई है, लोगों के मन में भय है या कोई भड़का देता है कि हिंदू मुस्लिम का भेद, रंग भेद, तो सांप्रदायिकता रूपी रावण के पुतले का दहन किया जाएगा, अमन भाईचारे का संदेश दिया जाएगा और साथ ही इस रावण दहन महोत्सव स्थल पर ही एक पर्चों का वितरण किया जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक मतदान करने का संदेश देते हुए राम लक्ष्मण रूपी जो भी वेशभूषा धारण करते हैं कलाकार, वो पर्चे का वितरण करेंगे आम जनता में। उस स्थल पर काफ़ी भीड़ रहती है। 151 किलो गिलकी का भजिए का प्रसाद रूपी वितरण होगा, जो हिंदू रीति में गिलकी भजिए का महत्व माना गया है। संस्था सूर्यमंच हर बार सूर्यमंच अलंकरण से किसी न किसी उत्कृष्ट सेवा कार्य करने वाले का सम्मान करती है, तो इस बार समाज सेवी PL राजा मंदवानी जी का सम्मान किया जाएगा और मराठी मानुष संगठन मराठी भाषी के बैनर तले भी राजा मंदवानी जी का सम्मान किया जाएगा। राम लक्ष्मण हनुमान जी की शोभा यात्रा निकलेगी। देवास के टिकलर ग्रुप द्वारा रंगारंग आतिशबाजी की जाएगी। संपूर्ण भगवामय तरीके से और संस्था सुमन जो गैर राजनीति संस्था है, तो सभी धर्मों के लोग और इसमें महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा, जो कि पूर्व राज्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी में सरकार में थे, महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा रावण का दहन करेंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रमोद टंडन जी करेंगे, मुख्य अतिथि सज्जन सिंह वर्मा जी होंगे और इसमें पंडित योगेन महेंद्र, पूर्व राज्य मंत्री दर्जा योगेन महेंद्र जी हमारे संरक्षक है, पंडित योगेन महेंद्र जी वो भी इस कार्यक्रम में पूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस पूरे कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी के कई नेतागण, वर्तमान पार्षद, वर्तमान विधायक सभी मौजूद रहेंगे। हमारी पार्टी नहीं, हमारी संस्था है सामाजिक सांस्कृतिक संगठन। ये संस्था 33 वर्षों आयोजन कर रही है, लेकिन 10-12 वर्षों से हम सामाजिक बुराइयों का दहन कर रहे हैं। रावण की जगह हम रावण ने जलाते हुए रावण की जगह सामाजिक बुराइयों के पुतले का दहन करते हैं।